वेलकम टू माई चैनल जे आर नॉलेज गेन। टुडे माई टॉपिक इज टॉटोलॉजी हिस्ट्री। डॉक्टर जेम्स विल्सन वर्क ऑन टॉटोलॉजी। डॉक्टर जेम्स गिव सिक्स प्रिंसिपल ऑफ टॉटोलॉजी। इन्होंने सिक्स प्रिंसिपल दिए थे टॉटोलॉजी के हवाले से। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये डिजीज देखी थी मिस्र की खवातीन में जो कि प्रेग्नेंट थी। इन्होंने वहाँ पे इनकी जब स्टडी किया कंसेप्टी के डिफेक्ट और अबनॉर्मल बेबीज क्यों प्रोड्यूस हो रहे फीमेल के, तो उन्होंने इसको फिर स्टडी किया। 1930s में इन्होंने कम्प्लीट इसको स्टडी किया। फिर उन्हें पता चला है कि जो खवातीन ड्रिंक पेस्टिसाइड वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ड्रिंक करती हैं, ड्रग्स पीती हैं, उनकी वजह से उनके जो बेबीज़ पर अफेक्ट होता है, ये सारा इन्होंने अपनी रिसर्च में किया वर्क। अब टॉटोलॉजी होता क्या है? द स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट। अब ये जो यानी कि बर्थ डिफेक्ट को स्टडी करना बेबीज़ की ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, तो उसको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है और ये जो डिजीज़ है ये इफेक्ट करती है एनिमल और प्लांट दोनों पे इफेक्ट करती हैं, और ये जनरेशन फॉर्मेशन पे इफेक्ट होती हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं और ये इफेक्ट किस वजह से भी हो सकती हैं, ये मेडिकेशन की वजह से भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन मेडिकेशन यूज़ करती हैं। इसके मैं उधर फर्दर आपको बताऊंगी आगे जाके। इन्वायरमेंट फैक्टर भी बताते हैं वो आगे हैं। हीट और रेडिएशन की वजह से भी इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर्मेशन क्या होता है कि अ स्ट्रक्चर डिटेक्ट इन द बॉडी, कि स्ट्रक्चरली हम ना जो बॉडीज़ होती हैं जो बेबी बर्थ की उसमें एबनॉर्मली किस चीज़ पर आती है, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, उसकी फेटल डिवेलपमेंट वगैरह इस पर। ये काफ़ी किस्म के होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी क्लिप्ट लिप, क्लिप्ट प्लेट्स वगैरह की। अब ये क्या होती है, ये डिजीज़ तो होती है ये, जिसमें ये डिजीज़ जो होती है ये ब्रेन डिजीज़ होती है। जब कब होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के जो फॉर्मेशन जब होती है बेबी उसकी, उसके बेबी की जो फॉर्मेशन होती है ब्रेन की, उस वक्त अफेक्ट करती हैं। अब है टॉटोलॉजी क्या होती है, ये कि जो होती है एक एजेंट होता है, ये जो होती है मोस्टली फीमेल जो ड्रग्स वगैरह या ड्रिंक वगैरह करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से उसकी बेबीज़ पे इफेक्ट होता है। बेबी का इफेक्ट क्या होता है कि बेबी की वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है और बेबी एबनॉर्मल पैदा होना शुरू हो जाता है। एनवायरमेंट फैक्टर्स ऑफ टॉटोलॉजीज़ क्या हैं, इसमें ये सारे फैक्टर बताएं, मैं वन बाई वन आपको डिस्कस कर रही हूँ। द केस ऑफ लो बर्थ वेट। अब जब लो बर्थ वेट हो रही है तो वो किस किस के केस की वजह से होती है, वो लो बर्थ किस वजह से होती है, वो स्मोकिंग की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशन बर्थ वगैरह होती है। न्यूट्रिशन जब फीमेल अपना जो होती है वो अपनी प्रॉपर डाइट्स नहीं ले रही होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी वजह से उसकी बेबी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनका बेबी जो होता है वो कमज़ोर होना पैदा होता है। और क्या होता है, जब उसका वेट लूज़ होता है तो उसका जो हेड होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, ये इसकी डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से होती है, स्मॉल ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस होना जो शुरू होते हैं। एज क्या होती है, कुछ फीमेल्स होती हैं वो अपनी एज ऐसी एज ड्यूरेशन पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर उनके जो बेबीज़ प्रोड्यूस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल जो होती हैं वो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो भी जाए तो उसके जो रिक्स होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। किस चीज़ का रिक्स, मिसकैरेज का, उनके बेबीज़ में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हो भी जाए तो वो नॉर्मल पैदा होता है। अब बताए एक्सरसाइज, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं वह प्रेगनेंसी के दौरान जो होती हैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं ले रही होती है, इसकी वजह से इसकी बेबी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ड्रिंक, अब कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहल यूज़ करती हैं, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की रूटीन होती है कि अल्कोहल पी अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं वगैरह, ड्रिंकिंग ले रही होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान। अगर ले रही होती है तो वो उसकी बेबी इफेक्ट कर रही होती है, उस पर नहीं इफेक्ट हो रही तो बल्कि उसकी बेबी पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। स्ट्रेस, अब कुछ होती हैं जो फीमेल जब प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अगर स्ट्रेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके ये इफेक्ट जो स्ट्रेस है वो उनके बेबी पे इफेक्ट करेगा। उससे क्या होता है कि वो मेंटली स्ट्रेस की वजह से उसके बेबीज की मेंटल पे भी इफेक्ट करेगा माइंड पे, और लो बर्थ वेट भी प्रोड्यूस होगी। स्मोकिंग, अब बहुत ज़्यादा फीमेल जो होती हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, उनकी स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, उनकी यूट्रन की एक वाल होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और जो कमज़ोर होती है उसकी वजह से क्या होता है उसके वो जो वाल होती है वो बेबी कैरी नहीं कर सकती। अब वो बेबी कैरी नहीं करेंगी तो वो बेबी प्रोड्यूस करने की चांस उनमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर वो बाई चांस वो प्रोड्यूस बेबीज़ कैरी कर भी लेती हैं लेकिन उसके बेबी जो अगर वो डिफेक्ट और एबनॉर्मल पैदा होगा।
एयर पोल्यूशन। अब जो हवा है उसका भी बेबी प्रेगनेंसी औरत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो कैसे असर पड़ता है कि जो एयर पोल्यूशन होती हैं उसमें वो उसकी जो होती हैं बेबीज़ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबीज़ की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कॉज करने का सबब बनती हैं। अब आता पेस्टिसाइड। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करती, ड्रिंकिंग नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चे जो होते हैं वो अब नॉर्मल या डिफेक्ट पैदा होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि उसकी जो रीज़न ये होती है कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं। जब कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है? पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ऐसे वहाँ पर केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि पेस्ट को ख़त्म करते हैं। और उस फीमेल के क्या होता है वहाँ पे, अगर वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो वहाँ पे सरवाइव कर रही है तो उसके जो होंगे वो बर्थ डिजीज़ जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब वो बढ़ उसमें डिजीज़ कौन सी होगी? उसके मिसकैरेज ज़्यादा हो जाएंगे। मेटल। अब फीमेल जो होती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इधर काम कर रही होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है उनके ब्लड में वो जो मेटल होता है ज़्यादातर इनके ब्लड में डिपॉजिट हो रहा होता है। वो ख़ासतौर पर लेड, लेड जो होता है वो बहुत हैवी होता है। और ये क्या कहते हैं ख़ास तौर पे फीमेल प्रेगनेंट्स के लिए होता है। 95% जो होती हैं एवरी वूमेंस जो होती हैं जो वर्क करती हैं इंडस्ट्रीज़ में उनका जो ब्लड होता है वो ब्लड जो होता है वो लेड लेवल से कंटेन होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ ऐसी वुमेन होते हैं जो क्लोथिंग टेक्सटाइल पॉइंट या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह में काम कर रही होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है उनके बेबी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। उसकी बेबी पे इफेक्ट क्या पड़ रहा होता है? उसके मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेशन। अब मेडिसिन कौन सी यूज़ करती है की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इस डिजीज़ को ख़त्म करती है? अमीनो फेरेंटिन ये जो फोलिकन एसिड्स होता है जो एफ प्रेगनेंट्स अगर वो फीमेल जो है वो प्रेगनेंट होती है लार्ज नंबर में वो मेडिसिन ले रही है। ट्रीटमेंट ऑफ किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ले रही है? वो बर्थ डिफेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए वो ले रही है। एमटीएस जो होता है ये क्या कहती है उसके मिसकैरेज की जो होते हैं वो जो डिजीज होती है उसको वो कम कर देती है, स्टॉप कर देती हैं। और उसके बाद जो ये प्रेगनेंसीज होती हैं प्री प्लान्स होते हैं। अगर इसके बाद हेवरफेन ये है कि कहती मेडिसिन होती है जो ब्लड होता है जिसकी वजह से अक्सर फीमेल का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है। ये मेडिसिन तब यूज़ की जाती है जब फीमेल का ब्लड बहुत ज़्यादा हाई हो, वो ब्लड जो होता है वो क्लोटिंग फॉर्म में हो। उस क्लोटिंग फॉर्म को या उस ब्लड को थिन करने के लिए हम जो है वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। आगे आता है डिसऑर्डर कॉजेज ड्यू टू। अब इसकी जो होती है टेटोलॉजी उसके बताया जाता है कि कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, डिसऑर्डर कॉज होते हैं। और फिर ये इसको डिटेल में बताती हूँ। लिम्ब रिडक्शन क्या होता है कि अपर या फिर लोअर लिम्ब जो रिडक्शन जो डिफेक्ट होकर हो जाती है। क्या मतलब कि उसकी कुछ बाजू का पार्ट या उसके लेग्स का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कम्प्लीट होने में नाकाम रहता है। कब होता है ये नाकाम? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ उसका नॉर्मल साइज जो होता है या फिर कुछ अगर रिड्यूस कर देते हैं कुछ का आपने देखे होंगे कुछ फिंगर्स होती हैं वो नॉर्मल से कुछ बड़ी कुछ छोटी इस तरह होती हैं तो वो किस वजह से होती हैं? वो लिम्ब रिडक्शन डिजीज की वजह से ही होती हैं। अब अदरस्पैन ये क्या होता है कि ये किसी जो बैक साइड होती है ये बैक साइड पे एक नाम डिफेक्ट शो करवाती है, अपनी डिजीज शो करवाती है। इसकी वजह से क्या होता है इसका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा इसके न्यूरो ट्यूब पर अफेक्ट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अक्सर ही आपने बच्चे देखे वो छोटे छोटे व्हील चेयर पे होते हैं वो इसी डिजीज की वजह से होती है क्योंकि उनकी जो डिजीज होती है उनकी बच्चे में गैप आ जाता है। ये गैप की वजह से उसकी जो होती है वो बेबीज जो होते हैं और ये डिफेक्ट ये एबनॉर्मल पैदा होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो बेबी कैरी ज़्यादा नहीं कर सकते। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच पर्सन हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। कि अब हम अगर घर हमारी वुमेन की एग्जांपल दे तो वुमेन में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 48 क्रोमोसोम्स होते हैं तो अगर उसमें से एक भी यानी 47 भी हो जाए तो वे भी एबनॉर्मल कॉज करते हैं। इसीलिए उन जो बच्चे होते हैं अक्सर के जो घट और आपने देखा गले के नीचे का जो मांस होता है वो लटक रहा होता है ये किसी भी चीज़ का वो इसी वजह से होते हैं कि उनके जो मिस हो जाते हैं क्या चीज़ मिस हो जाती है उनके क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिस हो जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए। उसके बाद आता है टर्नर स्टंट। ये क्या होता है ये ज़्यादातर फीमेल पे अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर ह्यूमन फीमेल पे अफेक्ट करती हैं क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं ये अफेक्ट करती हैं गर्ल और वुमेन पे। इसकी क्या कम्प्लीटली या फिर कुछ पार्ट जो होता है एक्स क्रोमोसोम का वो मिस हो जाता है। ये लेक ऑफ ब्रेस्ट डिवेलपमेंट अब ये मतलब उसकी जो जब ये फीमेल की डिवेलपमेंट हो रही होती है उसमें उसकी ब्रेस्ट जो होती है
उसमें का उसकी कोई पार्ट मिस हो जाना, उसका जो डेवलपमेंटल या गेस्टुलेशन पीरियड है वो मिस हो जाना, ये उसकी हार्मोन की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो भी बताए गए, ग्रोथ हार्मोन्स, ट्रीटमेंट है इसका। नेक्स्ट है PKU। PKU क्या होता है? PKU जो है ये एक फैमिली, ये एक ऐसी जो है वो है मेडिसन हैं जो ज़्यादातर ब्लड वगैरह जो रिलीज़ होता है ये उसमें ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। ये उसकी डिजीज़ होती है, ये क्या करती है, ये बेबी को रिस्क कर देती है, इनकी उसका रिस्क बढ़ा देती है किस चीज़, उसकी मेंटली रिडक्शन की हो जाता है, उसकी हेड ग्रोथ में या उसकी पुअरली ग्रोथ है, हार्ट डिफेक्ट, ये सब तब आती हैं जब उसकी डस्ट फिजिकल इसका स्ट्रक्चर बनना होता है, ये तब उस पर अफेक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, अमोनियम एसिड जो होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन इन आवर बॉडी, विदाउट दिस ट्रीटमेंट ये ब्लड कॉजेज योर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फिर जो एक्सरोवरोसमेंडेट में क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन भी चली आ रही होती हैं। FIMR है, जीन्स हैं ये, फर्स्ट ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। ये क्या करती है, इसको ये जो होती है प्रोटीन होती है ये तब इफेक्ट करती है जब बेबी का ब्रेन डिवेलपमेंट हो रहा होता है, जब बेबी का ब्रेन बढ़ रहा होता है ये तब इफेक्ट करती हैं। उसके बाद है इसके इफेक्ट बताएं कि कितने परसेंटेज होते हैं, अगर अब हम देखें तो 3-5% जो होते हैं बर्थ तो बच्चे जो हैं वो इसी डिजीज़ के कॉज में मुबतला है। करंटली एविडेंस जो सजेस्ट किया गया है वो 65-94% जो वुमेन है वो लेटेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उन पर इफेक्ट हो रहा होता है, 70% मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, तो ये सारे इसमें बताए गए हैं। उसके बाद फेज़ कौन कौन से होते हैं जिसमें यह जाकर अफेक्ट करती है, जाइगोट बन रहा होता है जब 1-2 weeks आफ्टर प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोस, फेटस, ये तब अपने इफेक्ट डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर इसके मुतालिक डॉक्टर जेम्सन ने अपने प्रिंसिपल दिए, वो 6 प्रिंसिपल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट की वजह से जो वुमेन है उसका इन्वायरमेंट इंटरेक्ट की वजह से हैं जो डॉक्टर जेम्स ने के ट्रिटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के दौरान ने ड्राफ्ट किए थे।